दोस्तों आईपीएल के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है ट्रेड होने वाले प्लेयर्स की लिस्ट को लेकर। इसके बाद आईपीएल ऑक्शन, आरसीबी के नए खिलाड़ी, मुंबई इंडियंस और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकलकर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जोड़ देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जोड़ करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वन बाई वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से और मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज यानी कि सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट के नंबर वन बल्लेबाज बन चुके हैं और इस प्रदर्शन के चलते मुंबई की टीम 100% इनको रिटेन करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से और पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट ने नए कप्तान की तलाश शुरू कर दी है, जहां पर पंजाब किंग्स की टीम अगले साल मयंक अग्रवाल को कप्तानी से हटा करके किसी अदर प्लेयर को कैप्टन बनाएगी और हाईली चांस है कि ऑक्शन में पंजाब किंग्स की टीम स्टीव स्मिथ या फिर केन विलियमसन जैसे प्लेयर को टारगेट करे, क्योंकि पंजाब किंग्स की टीम एक्सपीरियंस वाले प्लेयर को अपनी टीम का कप्तान बनाना चाहती है जिसके पास कप्तानी का एक्सपीरियंस हो। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ऑक्शन में दो विस्फोटक ओपनर्स को टारगेट करेगी, जिसमें नाम आता है क्रिस लिन और एलेक्स हिल्स का, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को नए ओपनर्स की तलाश है। तो इस वजह से ऑक्शन में केकेआर की टीम 100% इन दोनों सलामी बल्लेबाज के ऊपर बोली लगाएगी और इनको खरीदने का पूरा प्रयास करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के लिए दिल्ली कैपिटल्स के सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 को लेकर। तो दिल्ली का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से होगा, जहां पर ओपन करेंगे पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, तीसरे नंबर पर मिचेल मार्स, इसके बाद चौथे नंबर पर कप्तान ऋषभ पंत, पांचवें नंबर पर सरफराज खान, छठवें नंबर पर रोमन पॉवेल, सातवें नंबर पर अक्षर पटेल, आठवें नंबर पर शार्दुल ठाकुर, नौवें नंबर पर कुलदीप यादव, दसवें नंबर पर एनरिक नौरखिया और ग्यारहवें नंबर पर खलील अहमद, जहां पर हो सकता है कि नौरखिया को रिलीज करके पैट कमिंस को यह टीम प्लेइंग 11 में इंक्लूड कर ले। और वैसे दिल्ली की टीम आईपीएल 2023 के लिए अपने प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव नहीं करेगी। तो आप अगली वीडियो में कौन सी टीम का सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 देखना चाहते हैं उस टीम का नाम कमेंट में जोड़ बताएं। जिस टीम के ऊपर सबसे अधिक से अधिक कमेंट आएगा उस टीम का प्लेइंग 11 हम अगली वीडियो में बता देंगे। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है आईपीएल को लेकर। तो आईपीएल के ऊपर अफ्रीका के आतिशी बल्लेबाज रिली रूसो ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने बताया है कि जब से उन्होंने शतक लगाया है तब से आईपीएल ऑक्शन को लेकर के काफी सारा सवाल किया जा रहा है, लेकिन उनके मन में आईपीएल का ऑक्शन बिल्कुल ही नहीं है। और उनका स्टेटमेंट आया है कि अगर वो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे तो आईपीएल की टीम उनको 100% खरीदेगी। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के ट्रेड विंडो को लेकर। तो आईपीएल 2023 का ट्रेड विंडो बीसीसीआई ने स्टार्ट कर दिया है और इस ट्रेड विंडो में काफी सारे प्लेयर्स अपनी पुरानी टीम को छोड़ करके नई टीम में ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। तो कुछ प्रोबेबल ट्रेड प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इस लिस्ट के पहले बड़े प्लेयर है पंजाब के कैप्टन यानी कि मयंक अग्रवाल, और काफी सारे क्रिकेट रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि मयंक अग्रवाल को गुजरात टाइटंस की टीम अपने स्क्वाड में ट्रेड करना चाहती है, क्योंकि गुजरात टाइटंस को ओपनर की तलाश है। तो इस वजह से हो सकता है कि पंजाब की टीम अगर अग्रवाल को ट्रेड के लिए अवेलेबल करे तो गुजरात की टीम इस प्लेयर को अपने स्क्वाड में शामिल कर ले। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम आता है आर साई किशोर का, और आर साई किशोर को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से ट्रेड का ऑफर मिला है, लेकिन गुजरात टाइटंस की टीम ने करेंटली साई किशोर को ट्रेड करने से मना कर दिया। वहीं अंतिम प्लेयर है शुभमन गिल, और शुभमन गिल को लेकर के बड़ी अपडेट आई है, जहां पर आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स इन दोनों ही टीमों ने यहां पर गुजरात टाइटंस को गिल के ट्रेड का ऑफर दिया है, लेकिन अभी तक गुजरात टाइटंस की टीम शुभमन गिल को ट्रेड होने के लिए एग्री नहीं हो पाई है। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के लिए।
सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट को लेकर, तो हैदराबाद की टीम जिन खिलाड़ियों को रिलीज करेगी उसमें नाम आता है अब्दुल समद का, इसके बाद फजल फारूखी, ग्लेन फिलिप्स, सीन एबॉट, रोमारियो सेफर्ड, विष्णु विनोद आर समर्थ, मार्को जेंसन, इसके बाद सौरभ दुबे और श्रेयस गोपाल जैसे प्लेयर्स को हैदराबाद की टीम 100% रिलीज करेगी। तो आप अगली वीडियो में कौन सी टीम के रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट देखना चाहते हैं उस टीम का नाम कमेंट में जरूर बताएं। जिस टीम के ऊपर सबसे अधिक से अधिक कमेंट आएगा उस टीम के रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट हम अगली वीडियो में बता देंगे। इसके बाद इस लिस्ट की 8वीं बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के ऑक्शन को लेकर, तो आईपीएल के ऑक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जहां पर आईपीएल 2023 का ऑक्शन जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। और डेट के बारे में बात करें तो 16 दिसंबर को यानी कि अब से ठीक 2 महीने बाद आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन स्टार्ट होगा। और इस बार के ऑक्शन के लिए बीसीसीआई ने सभी टीमों के पर्स बैलेंस में 5-5 करोड़ का इजाफा करवा दिया है, यानी कि सभी टीमों का पर्स बैलेंस 5-5 करोड़ बढ़ जाएगा। और इसके साथ ही ऑक्शन के टाइमिंग के बारे में बात करें तो दोपहर 2 बजे से ऑक्शन स्टार्ट होगा। हालांकि ये ऑक्शन सिर्फ एक दिन में खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि इस बार मिनी ऑक्शन का आयोजन हो रहा है। ऑक्शन को स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव दिखाया जाएगा और ऑक्शन में लगभग 300 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद इस लिस्ट की 9वीं बड़ी अपडेट है T20 वर्ल्ड कप को लेकर, तो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया हो सकता है कि आज मेलबर्न रवाना हो जाए, जहां पर विराट कोहली, उमरान मलिक, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स हो सकता है कि आज मेलबर्न के लिए रवाना हो जाएंगे। और 10 अक्टूबर को यहां पर ऑस्ट्रेलिया ए के साथ टीम इंडिया प्रैक्टिस मैच खेलेगी। वहीं ऑफिशियल प्रैक्टिस मैच 17 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा और 19 अक्टूबर को भी एक और प्रैक्टिस मैच टीम इंडिया खेलती हुई नजर आएगी। तो आपके हिसाब से क्या इस साल टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बन पाएगी या फिर नहीं, आप अपनी राय कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की 10वीं और अंतिम अपडेट है इंडिया साउथ अफ्रीका के पहले वनडे मैच को लेकर, तो पहला वनडे मैच अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, जहां पर भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे से भारत अफ्रीका का पहला वनडे शुरू हो जाएगा। और इस मैच का सीधा लाइव प्रसारण टीवी में स्टार स्पोर्ट्स, डीडी स्पोर्ट्स, वहीं मोबाइल फोन में डिज्नी हॉटस्टार पर किया जाएगा। तो आपके हिसाब से बिना स्टार प्लेयर्स के भारत की टीम अफ्रीका को वनडे सीरीज में हरा पाएगी या फिर नहीं, कमेंट में जोड़ बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।